धन्यवाद श्रुति डॉक्टर जी, शैलेंद्र मेनन। थैंक यू श्रुति जी। और सबसे पहले मैं लोकबाग परिवार का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण और सारगर्भित चर्चा के लिए मुझे आमंत्रित किया। साथ ही मेरे जो पैनलिस्ट है, साधना मैम, सुनीता मैम, एडवोकेट काला साहब, और विभिन्न माध्यमों से जो सहभागी हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं, मैं सभी का अभिवादन करता हूँ। श्रुति जी, जैसा कि आपने कहा कि महिला सशक्तिकरण में व्यक्तिगत रूप से मेरी जो भूमिका आप जानना चाह रही हैं, तो इसमें मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक आपसे ये कहना चाहूंगा कि मैं ऐसा तो खैर कोई दावा नहीं करता कि मैंने किसी एक्टिविस्ट की तरह या किसी मुहिम के तौर पर महिला सशक्तिकरण के लिए कोई बहुत अधिक भूमिकाएं निभाई हो, लेकिन हाँ, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने अपने आचरण और व्यवहार की दिशा को इस ढंग से निर्देशित करने का प्रयास जरूर किया है कि जिससे कि हमारे समाज और राष्ट्र की जो आधी आबादी है वो मेरे साथ सहज महसूस कर सकें, चाहे वो परिवार की महिलाएं हों या परिवार के बाहर की महिलाएं। अगर मैं प्रिसाइसली आपके क्वेश्चन की बात करूं तो जैसे फैमिली के अंदर जो महिला सशक्तिकरण में जो भूमिका की बात आती है, हालांकि मेरे परिवार में मेरी माँ बहुत ज्यादा साक्षर और शिक्षित नहीं है, मेरी पत्नी, मेरी बहन ये जो है वेल ग्रेजुएट और बीएड किया है इन्होंने, हालांकि इनकी भूमिका जो है वो गृहिणी के रूप में है। और जहां तक मैं अपनी भूमिका की बात करता हूं कि महिला सशक्तिकरण के लिए हम क्या कर सकते हैं या ये पुरुष क्या कर सकता है, तो उसमें मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे ये शेयर करना चाहूंगा कि परिवार के जो निर्णय हैं, परिवार से संबंधित जो भी निर्णय हैं, उसमें जो परिवार की महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके अलावा परिवार की जो महिलाएं हैं उनकी किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे इकोनॉमिकल हो या इमोशनल हो या किसी भी प्रकार की जो आवश्यकता है, उनकी सब सम्मान पूर्ति किया जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और इसके अलावा फैमिली की जो भी महिलाएं हैं, उन महिलाओं के जो भी गोल्स हैं, जो भी उनके एम्बिशंस हैं, जो भी उनके डिजायर्स हैं, उनको फुलफिल करने की स्वतंत्रता भी उन्हें हम लोगों को देनी होगी अगर वास्तव में हम महिला सशक्तिकरण की दिशा में अगर कोई प्रयास करना चाहते हैं। तो ये इट इज लाइक अ प्रीरिक्विजिट, ये परिवार से हमें शुरुआत करनी होगी और ये चीजें जो है वो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जो फैमिली की जब अपन बात करते हैं, जैसे मैंने कहा, मदर जो है उन्होंने हमेशा ही, वो स्वयं भले ही साक्षर नहीं रही हो, लेकिन उन्होंने हम सभी को शिक्षित बनाने में अपने जीवन से संबंधित जो भी मार्गदर्शन आवश्यक मार्गदर्शन होता है, उन्हें में उन्होंने जो है कभी किसी प्रकार की चिंता नहीं रखी। और अगर यहाँ एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ, जब हम बात करते हैं महिलाओं के कंट्रीब्यूशन की या सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जब हम किसी भी व्यक्ति के सफलता या असफलता का जब हम मूल्यांकन करते हैं, तो कई बार हम इस बात के ऊपर जोर देने लगते हैं कि वो लेडी जो है वो वर्किंग है या वर्किंग नहीं है। कई बार क्योंकि जो एक व्यक्ति किस पोस्ट पर, पोस्ट को हेल्ड किए हुए है या पर मंथ कितना अर्न करता है, कई बार हम उससे उसकी सफलता का आकलन करने की कोशिश करते हैं, जो मैं समझता हूँ कि उतना उचित नहीं है। क्योंकि जो हाउसवाइफ होती हैं, जो गृहिणियां होती हैं, वो परिवार के संबंध में जो योगदान देती हैं, कई बार वो थोड़ा सा उपेक्षित सा रह जाता है या जिसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। जबकि महिलाएं जो गृहिणी के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं, वो सुबह से रात तक जो भूमिका अदा करती है उसका तो कोई मोल ही नहीं होता। अगर कुछ देर के लिए हम कैलकुलेटिव हो जाएं, अगर मान लो हम जो है महिलाओं के योगदान का एक मौद्रिक रूपांतरण भी कर लें, तो हम ये पाएंगे कि सुबह से शाम तक, रात तक जो वो भूमिकाएं अदा करती है, आपके बच्चों की देखभाल से संबंधित, किचन से संबंधित, परिवार के बुजुर्गों को संभालने से संबंधित या परिवार को मैनेज करने से संबंधित जो उनकी भूमिकाएं होती है, अगर अगर ये सारे काम अगर आप किसी प्रोफेशनल से करवाते हैं और उसके लिए आप जो पे करते हैं, अगर उस सबको अगर आप एड ऑन करें, तो वो अपने आप में वो भी एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है जो जनरली सोसाइटी के अंदर रिकॉग्नाइज ही नहीं होती है। तो मैं ये जरूर अपील करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से भी कि महिलाओं का जो इस प्रकार का कंट्रीब्यूशन है, उसको भी बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए
और महिलाओं के इस योगदान की उपेक्षा किसी भी रूप में नहीं होनी चाहिए। अब जैसा आपने परिवार के अलावा कार्य क्षेत्र में जो बात आपने की कि कार्य क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण में हमारा योगदान किस प्रकार से हो सकता है, तो उसमें भी चूंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित हूँ और कॉलेज में कई प्रकार की वेरियस टाइप ऑफ कमिटीज होती है जिसमें हम लोग महिलाओं के साथ में मिलकर के काम करते हैं, तो उस वक्त जो है एक सहयोग की भावना का होना हमारे लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। खास तौर से जब हम इस फैक्ट को जानते हैं कि महिलाओं की जो भूमिका होती है समाज में, परिवार में, दोहरी भूमिका होती है, उन्हें अपने फैमिली को भी देखना होता है, तो इसलिए पुरुष के लिए ये आवश्यक है कि वो थोड़ा सा सिंपथाइज हो और इस बात को समझे कि महिलाओं की जो परिस्थिति है उसमें हम बेटर तरीके से कुछ प्रकार से सहयोग दे सकें, न कि ये कि भाई आप नौकरी करते हो तो आप जानो आपका काम जानो, आपको भी तो बराबर तनख्वाह मिलती है। तो इस प्रकार की जो अप्रोच है, इस प्रकार की जो सोच है वो ये नकारात्मक सोच है जो होनी नहीं चाहिए। इसके अलावा जो कार्य क्षेत्र पर जो हमारी महिलाएं हैं उनका सम्मान, उनकी गरिमा, उनको सुनिश्चित किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर कम्युनिटी लेवल की बात करें अपन, तो मैं यहाँ पर ये चीज कहना चाहूंगा, अगर मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूं तो ये जो क्योंकि हम लोग शिक्षा से संबंधित हैं और इस प्रकार के जो मंच है, जैसा कि आज का ही कार्यक्रम ले लीजिए आप, तो इस प्रकार के कार्यक्रम में जब हम अपने विचार रखते हैं तो उन विचारों के माध्यम से हम महिला सशक्तिकरण के बारे में विस्तार से अपनी बात रख सकते हैं, महिला सशक्तिकरण के कॉन्सेप्ट की बात कर सकते हैं, उसकी चुनौतियों के बारे में, इसके संबंध में जो मिथ्स और रियलिटीज हैं उनको हम रख सकते हैं। तो ये भी किसी रूप में महिला सशक्तिकरण की दिशा में योगदान माना जाएगा। और व्यक्तिगत रूप से अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अभी राष्ट्रीय सेवा योजना का जिला समन्वयक भी हूं जोधपुर जिले में, तो राष्ट्रीय सेवा योजना भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में, महिला सशक्तिकरण के बारे में कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से ये भूमिका हम लोगों की रहती है। थैंक यू। बहुत सही बात आपने कही शैलेंद्र सर, आभार आपके। परिस्थिति की तो चाहे वो कोविड काल रहा था तो भी उसने अपने स्टेटस को निभाया था प्रोफेशनली भी और होम मेकर के रूप में, तो बहुत ही दृढ़ता से उसने उसको डील किया था, जैसा अभी मैडम ने, साधा मैम ने बात रखी थी। तो अनुराग जी का प्रश्न ये है, और जो कि मेरा भी प्रश्न था, मैं इस प्रश्न पर आने से पहले अनुराग जी को मैंने इंतजार करवाया उनके प्रश्न के लिए, क्योंकि मैं आपसे इस बात का उत्तर जानना चाहती हूँ जो मेरे संग अनुराग जी पूछ रहे हैं कि पितृसत्तात्मक समाज में परिवार के अंदर पुरुषों की जो ये भूमिका है उसे कैसे बढ़ाया जाए, यानी कि महिलाओं की परिस्थिति और भूमिका की तो बात और संदर्भ हो गए, लेकिन प्रश्न मेरे संग मेरे साथी लोग जो चैट बॉक्स में दूसरे भी तरीके से लिख रहे हैं, लेकिन जानना वो यही चाह रहे हैं कि पुरुषों की भूमिका को कैसे बढ़ाया जाए। देखिए श्रुति जी, जहां तक पुरुषों की भूमिकाओं को बढ़ाने की है तो उसमें सबसे पहले खुद पुरुषों को ये समझना होगा कि जैसा आपने ये इस परिचर्चा की शुरुआत में ये कहा था कि गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों को मिलजुल करके साथ में काम करना होगा, तो इसके लिए पुरुषों को सबसे पहले खुद ये समझना होगा और उन्हें प्रेरणा लेनी होगी महिलाओं के द्वारा जो निर्वाह की जाने वाली जो विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं हैं उनको वो कितना इफेक्टिवली जो है उन भूमिकाओं को वो प्ले कर रही हैं। जैसे अभी आपने कोविड का एग्जाम्पल दिया, तो कोरोना काल में जो महिलाओं की भूमिका है वो उसके और कई आयाम निकल करके सामने आए। परिवार के अंदर जैसे एक एक बच्चे के लिए वो टीचर का रोल भी प्ले कर रही थी, परिवार में चूंकि ये जो कोरोना की परिस्थितियां थी, हर परिवार में जो व्याधियों के, बीमारियों के भी जो है ओकेजंस देखने को मिले, तो उसमें देखभाल दृष्टिकोण से भी महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही। बिल्कुल। इसी प्रकार से प्रोफेशनली, प्रोफेशनल फ्रंट पर भी महिलाओं को जो है अपने काम बहुत बखूबी तरीके से करने पड़े। तो ये जो महिलाओं के द्वारा जो किया जाने वाला जो भूमिका का निर्वहन है वो कहीं ना कहीं पुरुषों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। और मुझे लगता है कि अगर मान लो सही ढंग से हमें एक इस व्यवस्था को सुचारू बनाना है तो पुरुषों को स्वयं जो है प्रेरणा लेकर के इस बात के लिए आगे आना होगा। और जब हम महिलाओं की बात करते हैं कि भाई महिलाओं के जो वेरियस टाइप के जो रोल्स हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार की वो भूमिकाओं का निर्वहन करते समय कई प्रकार की भूमिकाओं के संघर्ष की स्थितियां भी उत्पन्न होती हैं, रोल कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है। कि जैसे मान लीजिए कि एक महिला जो
जिसका कोई बच्चा मान लीजिए कि वो बीमार है और परिवार में वो बच्चा चाहता है कि उसकी माँ का सानिध्य उसको मिले, और माँ भी जो है अपनी जो ममत्व मूलक जो उसका जो दृष्टिकोण होता है उस हिसाब से वो बच्चे के साथ रहना चाहती है, बट एट द सेम टाइम वो लेडी एक प्रोफेशनल है और उसको अपने प्रोफेशनल एरिया के अंदर जिस किसी कंपनी के अंदर या जिस किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर वो अपनी सेवाएं दे रही है वहां पर भी अगर उसको अपना रोल प्ले करना है तो दोनों में से किस भूमिका को वो चुने इसको लेकर के कई बार जो है वो संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न होती है। ऐसे में फिर पुरुष की भूमिका जो है वो अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। पुरुष को फिर ये समझना होगा कि महिलाओं को जो इस प्रकार का भूमिका संघर्ष का जो सामना करना पड़ रहा है उसमें वो किस प्रकार से सकारात्मक योगदान दे सकते हैं जिससे कि इस संघर्ष को कम किया जा सके और व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चल सके। तो इस प्रकार के जो अवसर हैं इनमें पुरुषों की भूमिका बहुत अधिक बढ़ जाती है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सही कहा शैलेश साहब आपने। और कारण पुरुष के लिए किस हद तक, एक बार दोबारा से सवाल बताएं प्लीज। सवाल है कि महिला सशक्तिकरण पुरुष समाज के लिए किस हद तक बेहतर है। मुझे ऐसा लगा शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो अब बार बार बात हो रही है महिला सशक्तिकरण की, क्या वो पुरुष समाज के लिए सही है। मैं इस सवाल को इस तरह से लेते हुए इन्होंने पूछा है कि वो किस हद तक है वो बताइए। नहीं, इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए महिला सशक्त होगी तो वो पुरुष के साथ एक अभिन्न मित्र के रूप में, एक अभिन्न सहयोगी के रूप में ज्यादा अच्छे से अपने रोल को प्ले कर पाएगी और एक एक महिला जो है एक बेटर सेंस में पुरुष को भी कंप्लीट कर पाएगी, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ कंप्लीटनेस नॉट द कम्पिटिटिवनेस, है ना। कोई एक दूसरे के को वो कंप्लीट नहीं करते हैं बल्कि एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। और जब अपन महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और गाड़ी के दो पहियों की बात करते हैं तो अगर ये मान करके चलें कि अगर एक पहिया स्कूटर का होगा और दूसरा पहिया जो है अगर मान लीजिए कार का होगा तो वो गाड़ी ठीक से कैसे चल पाएगी। तो इसलिए एक सशक्त महिला ही एक परिपूर्ण समाज का और परिवार का निर्माण करती है। तो पुरुषों के लिए भी एक महिला सशक्तिकरण सामाजिक और पारिवारिक पूर्णता के लिए नितांत आवश्यक है, ऐसा मैं मानता हूँ। समाजीकरण की बात आपने कही तो यहाँ पर जो साधना मैम ने जो बात कही थी मैं उसको थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करना चाहूंगा। मैम आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ जो आपने ब्रेन के डेवलपमेंट की बात की कि जो 3 साल से 6 साल तक की आयु में जो होता है और बेसिकली जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस हम लोग समाज शास्त्र में पढ़ते हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो एक जैविकीय प्राणी होता है और जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी में जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है वो समाजीकरण है। और समाजीकरण में भी जो अर्ली सोशलाइजेशन है, जो प्रारंभिक समाजीकरण है, वो व्यक्तित्व को गढ़ने में, हमारे विचारों को नरिश करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका को निभाता है। तो ऐसे में जो शुरुआती समाजीकरण है, यानी कि बच्चा जब 3-4 साल का हो जाता है तो समाज और परिवार उस बच्चे को उसके जेंडर से परिचित करवाता है कि भाई आप एक लड़का है, आप एक लड़की है। तो कई बार समाज और परिवार जेंडर से परिचित कराने के साथ साथ कई प्रकार के पूर्वाग्रह, कई प्रकार की ऐसी चीजें भी बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं जो आगे चल करके महिला सशक्तिकरण की दिशा के विपरीत जो है वो बच्चे के अंदर विचारों को उत्पन्न करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर बच्चा कोई बेबी बॉय है, 4-5 साल का है, अगर वो रो रहा है और उसके परिवार के लोग उसको कहेंगे अरे क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, तू क्या लड़की है, लड़कियों की तरह है? या जैसे ड्रेसिंग के मामले में या घर के काम करने के मामले में भाई फला काम जो है वो केवल महिलाओं के लिए है, या जैसे हाउस होल्ड या किचन का काम है और बच्चे एक छोटा बच्चा है उसको घर की क्लीनिंग का या किचन से रिलेटेड काम आप इसलिए नहीं उसको उसमें सिखाते हो या उसमें इसलिए आगे नहीं लाते हो क्योंकि वो एक लड़का है। तो ये चीजें जो है वो कहीं ना कहीं महिला और पुरुष के बीच में विचारों में बहुत बड़ा गैप उत्पन्न करती है जो आगे चलकर के एक स्वस्थ समाज के निर्माण में बहुत बड़ी बाधा के रूप में सामने आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो अर्ली सोशलाइजेशन है, जो प्रारंभिक समाजीकरण है, उसमें चाहे वो लड़का हो या लड़की हो उन दोनों को ही समानता से संबंधित जो मूल्य है वो सिखाए जाने जरूरी है। और ताकि क्या है कि उनका व्यक्तित्व का जो विकास है वो भी उसी रूप में हो सके। देखिए मेल और फीमेल जैविकीय रूप से अलग हैं, अलग रहेंगे, और
अलग होना जरूरी भी है, सृष्टि के अस्तित्व की निरंतरता के लिए ये जरूरी भी है, लेकिन ये अलग होना किसी भी रूप में उच्चता या अधीनता को स्थापित करना करने के सेंस में नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों नहीं हो, अगर आप शुरुआत से ही उसको इस तरह की वैल्यूज देना शुरू करेंगे तो आगे चल करके आप सोच सकते हैं कि वो किस प्रकार का नागरिक बनेगा या महिलाओं के प्रति उसके विचार किस प्रकार के होंगे। तो जो समानतावादी मूल्यों का पोषण जो है अर्ली सोशलाइजेशन फेज में ही होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में या महिला को समान मानने की दिशा में जो है वो बच्चा आगे बढ़ सके। बिल्कुल, बहुत सही आपके विचारों से मैं आपसे निवेदन करती हूँ आपके विचारों के लिए। महिला दिवस अलग अलग देशों के द्वारा राष्ट्रीय दिवस के रूप में तो मनाते हुए लगभग मेरे ख्याल से 100 वर्ष से भी ज्यादा समय हो चुका है। जैसा शायद अभी साधना मैम ने भी उल्लेख किया था कि 1909 के आसपास से ही इसको राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और शायद मैं गलत नहीं हूँ तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को जो आइडेंटिफाई किया गया है वो भी शायद 1975 से हो गया है। इनकी हमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाते हुए लगभग 50 वर्ष का समय हो गया है, और उसके बाद में भी अगर महिला सशक्तिकरण ठीक से या मूर्त रूप में नहीं हो पाया है तो ये प्रश्न वास्तव में विचारणीय है। यहाँ पर मैं खुराना मैम से पूरी तरह से सहमत हूँ कि जो दिवस है 8 मार्च का जो दिवस है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वो केवल लोगों को राह दिखाने के लिए और मोटिवेट करने के लिए है, लेकिन पूरे वर्ष पर्यंत हमें इस दिवस के जो मूल्य है उनको आत्मसात करके जो है हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करना आवश्यक है। तभी सही मायने में महिला सशक्तिकरण हो पाएगा और तभी इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने की सार्थकता। थैंक यू, बहुत धन्यवाद सर। काला साहब, अब आपसे मेरा